ऐसे बिजनेस की कल्पना कर सकते हैं जिसके पीछे ना ही कोई सेल्स स्ट्रेटेजी और ना ही कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो? नहीं ना, कोई बिजनेस बिना सेल्स और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के नहीं चल सकता। जैसे कोई इंसान बिना ब्रेन और बिना हार्ट के जीवित नहीं रह सकता, ठीक उस तरह से कोई भी बिजनेस बिना सेल्स और बिना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के नहीं चल सकता, क्योंकि सेल्स हार्ट की तरह और मार्केटिंग ब्रेन की तरह काम करती है। आज बहुत सारे स्टार्टअप्स, सेल्फ एम्प्लॉयड और स्मॉल स्केल बिजनेसमैन बिजनेस की सामान्य चीजों में ही फंसे रहते हैं, जैसे एंगेज विद क्लाइंट, इंक्वायरी कॉल्स, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, रेगुलर प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स, मटेरियल डिस्पैच, फाइनेंस, बैंकिंग, बिल पेमेंट, पेमेंट रिकवरी और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी समस्याएं जिसमें वो अपने बिजनेस में उलझकर रह जाते हैं और वो फोकस ही नहीं कर पाते कि किस तरह से मार्केट ट्रेंड में कौन कौन से टूल्स, कौन कौन से टेक्निक्स और कौन कौन से मेथड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रोडक्ट और सर्विसेज को एडवर्टाइज करने के लिए। ध्यान रखिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए आपको सही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करना होगा और सही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को डेवलप करने के लिए आपको मार्केट ट्रेंड और कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटेजी को स्टडी करना होगा। फ्रेंड्स, जब कोई भी कॉम्पिटिटर मार्केट में नए प्रोडक्ट को लाता है तो वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ठीक तरीके से स्टडी कर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट को नई अप्रोच के साथ मार्केट में लॉन्च करता है। इसीलिए आपको जरूरत है आपकी इंडस्ट्री के ट्रेंड को फॉलो करना और आपके कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजी को स्टडी करने की। याद रखो, ग्राहक केवल उसी कंपनी या ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदेगा जो ठीक और प्रभावशाली तरीके से कंज्यूमर के मन में जगह बनाएगा। इसीलिए आपको जरूरत है आपकी इंडस्ट्री या आपके प्रोडक्ट या आपके कॉम्पिटिटर द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडक्ट में होने वाले छोटे और बड़े बदलावों को समझने की और अपने प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर की तुलना में बेहतर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ कंज्यूमर तक पहुंचाने की। फ्रेंड, जब आप अपनी सेल्स और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को डेवलप करें तो उस डेवलपमेंट को करते समय ध्यान रखें कि आपके विजन में आपके लक्ष्य बड़े हों और छोटी से छोटी बात पर भी जरूर ध्यान रखें। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक रहें। चार ऐसी महत्वपूर्ण बात हैं जिनको आपको जरूर ध्यान रखना होगा। फोकस ऑन योर कस्टमर, हमेशा अपने ग्राहक पर फोकस बनाए रहें, हर तरह की सेल्स स्ट्रेटेजी को अपनाएं और ऐसी सेल्स स्ट्रेटेजी तक जरूर पहुंचे जिससे आपकी डील आसानी से क्लोज हो सके। एंड द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। आपकी टीम के एम्प्लॉई जो कंज्यूमर क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। यदि डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती तो कई बार वो डील क्लोज करने में भी सक्षम नहीं होते। इसीलिए अपनी सेल्स टीम को डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी में स्ट्रांग बनाएं और उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा करें कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। कीप नॉलेज और गिव फुल नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट और सर्विसेज टू योर टीम और योर सेल्स स्टाफ। अपने स्टाफ को प्रोडक्ट या सर्विस से संबंधित पूरी नॉलेज दें, उन्हें टेक्निकल पॉइंट पर, आफ्टर सेल सर्विस पर, बिफोर सेल सर्विस पर, प्रोडक्ट के फीचर पर, प्रोडक्ट के एडवांटेज पर और प्रोडक्ट के फीचर से होने वाले कंज्यूमर के बेनिफिट तक का सब कुछ ब्यौरा उनके पास हो ताकि वो ठीक तरीके से अपने ग्राहक को प्रभावित कर सके। द नेक्स्ट, सेल्स टीम में पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करें। कई बार सेल्स टीम के मन में एक विचार होता है कि पता नहीं ये कंज्यूमर डील करेगा या नहीं करेगा, प्रोडक्ट लेगा या नहीं लेगा। उनके अंदर सेल से रिलेटेड एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करें कि मेरा कंज्यूमर मुझसे ही प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने आया है। फ्रेंड्स, अगर आप एडवांस सेल्स एंड मार्केटिंग टेक्निक्स को समझना चाहते हैं, टेक्निक्स डेवलप करके राइट स्ट्रेटेजी का चयन करना चाहते हैं तो आप ये मेरी बुक ऑर्डर कर सकते हैं। इस बुक में 12 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर में सेल्स एंड मार्केटिंग की टेक्निक को समझने का तरीका, इंप्लीमेंटेशन और उसका एडवांस मेथड दिया हुआ है जिससे आप अपनी एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हासिल कर सकते हैं।